हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ेंगे कक्षा दो की, जिसका नाम है व्याकरण उपवन। चलिए स्टूडेंट्स, पुस्तक खोलते हैं। आज हम करेंगे पाठ आठ, सर्वनाम के स्टूडेंट्स, पेज नंबर 36 का। चलिए बच्चों, संज्ञा पाठ में आपने पढ़ा कि संसार में सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो नाम की जगह प्रयोग होते हैं। हम सभी जगह नामों का प्रयोग नहीं करते। आओ कुछ चित्रों एवं उदाहरणों के माध्यम से समझें। दो मित्रों के बीच बातचीत। अमन, क्या तुम हमारे साथ पिकनिक के लिए चलोगे? रजत, नहीं, मैं दादाजी के साथ गांव जा रहा हूँ। अमन, तुम्हारे बिना हमें मज़ा नहीं आएगा। रजत, क्या करूं मित्र, मेरी दादी जी बीमार हैं, उनके पास कोई नहीं है। बच्चों, ऊपर दी गई बातचीत में आपने पढ़ा कि नाम के स्थान पर तुम, हमारे, मैं, तुम्हारे, मेरी, उनके आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम शब्द सभी के लिए प्रयोग हो सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आया स्टूडेंट समझ में आपको? संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो दोनों चीज़ सेम है बेटा, हम चाहे संज्ञा बोले या नाम बोले, बात वही है। सर्वनाम यानी सभी के नाम, सभी के नामों की जगह हम इन्हें यूज़ करते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा आदि। दूसरों के लिए, वह, उस, उसका, वे, उन्हें, उनका आदि। अपने से छोटों के लिए, तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। अपनों से बड़ों के लिए, आप, आपका, आपको आदि। निश्चित नाम के लिए, यह, इसका, ये, इसे, उन्हें, उनका आदि। अनिश्चित नाम के लिए, किसी, कुछ, कोई आदि। प्रश्न करने के लिए, क्या, कौन, किसको, किसे, किसने आदि। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू।